हेलो स्टूडेंट, हम लोग अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे, प्रकाशिकी पढ़ोगे, तो उसमें एक चिन्ह परिपाटी आती है। चिन्ह परिपाटी बहुत ज़रूरी है हमें पता होना, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं हम वस्तु की स्थिति को यू को या तो पॉजिटिव लेते हैं या फिर नेगेटिव कब लें, ये कन्फ्यूज़न रहता है हमें। प्रतिबिंब की जो दूरी रहती है जिसको हम वी बोलते हैं, वो कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, वक्रता त्रिज्या कब धनात्मक होगी कब ऋणात्मक होगी, ये कब कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोगों को कैसे पता चलता है, वो हमको पता चलता है चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी क्या होती है, देखिए आपको चिन्ह परिपाटी में ये चीज़ याद रखनी है सबसे पहले तो, कि जितनी भी दूरी होगी वो सारी दूरी आपको एक प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र। ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेंस के लिए। अगर लेंस आप लेते हैं तो यहाँ पे लेंस में सेंटर लेते हैं, या तो इसको आप C1 डिनोट करते हैं या फिर आप इसको O भी डिनोट करते हैं। तो या तो इधर नापे आप या फिर इधर नापे, तो कहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ तक की दूरी मैंने ली है यहाँ पे I, तो मैं अब इसको IC नहीं लिखूंगा, IC लिखना गलत होगा, क्योंकि हम डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, C से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रकाशिकी केंद्र से या O से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग CI बोलेंगे या फिर OI बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये किस केस में होता है, लेंस के केस में होता है। दूसरा एक आप पढ़ते हैं दर्पण, अगर दर्पण की बात कर रहे हैं तो दर्पण में जो दूरी है वो कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है, और ध्रुव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। जैसे अगर आप एक अवतल दर्पण बनाएंगे तो इधर पॉलिश रहेगा, यहाँ पे एक सेंटर में एक पॉइंट रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, तो ये ध्रुव हो गया। अब आप इधर की दूरी नापे या इधर की दूरी नापे, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, पी से। यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने, सी लिया, तो आप इसको पी सी लिखेंगे, पी सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम, पी सी बोलेंगे। सी पी बोलना थोड़ा सा इसको गलत हो जाता है, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पी से करते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि सारी दूरी कहाँ से नपेगी, अगर लेंस से तो प्रकाशीय केंद्र से, उसके बीच में से, और अगर दर्पण की बात कर रहे हैं तो ध्रुव से। चलिए अब दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, ठीक है, अगर आपकी प्रकाश किरण आपतित इधर हो रही है, आपतित प्रकाश किरण की दिशा, आपतित प्रकाश किरण की दिशा, और आपके द्वारा नापी जा रही दूरी, जैसे अगर आप दूरी इधर नाप रहे हैं तो देखिए आपतित प्रकाश इधर जा रहा है और आपकी दूरी इधर जा रही है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत है, तो जो दूरी आएगी वो दूरी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लेंस बना, ये दर्पण बना दिया, ये ध्रुव बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कोई वस्तु रख दी इस तरीके से AB, तो देखिए ये ध्रुव है, मैं यहाँ से दूरी नापूंगा इधर जाऊंगा, लेकिन प्रकाश किरण यहाँ से इधर जाएगी, तो ये जो दूरी आएगी इस वस्तु की दूरी जिसको हम U बोलते हैं, ये क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, ठीक है। अब अगर आपतित प्रकाश की दिशा ये है और आप जो दूरी नाप रहे हो वो भी इसी दिशा में नाप रहे हो, तो जो दूरी आप नाप रहे हो वो दूरी क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी, ठीक है। इसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे तो नहीं समझ पाएंगे आप लोग, एक एग्जांपल में लेंस का ले लेता हूँ। जैसे ये लेंस है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा AB, और इसमें भी आता है डायग्राम देख के हम लोग कर सकते हैं, अभी मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ से एक प्रकाश किरण चली, एक प्रकाश किरण इधर चली, और इस तरीके से यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे। अब देखिए ये तो वस्तु थी और यहाँ पे क्या बना, प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ केंद्र से नापेंगे हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे। देखिए प्रकाश किरण भी इसी दिशा में आपतित प्रकाश किरण गई, और आप जो दूरी नाप रहे हो वो भी इसी दिशा में नाप रहे हो, दोनों दूरियाँ क्या है, दोनों चीज की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे जो ये प्रतिबिंब की दूरी V आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक आएगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और वो जो घंटी वाला बटन आता है उस घंटी वाले बटन को क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरा अगली बार वीडियो आए और आप तक पहुंच जाए। बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। दो मेरे यूट्यूब चैनल आप ऑलरेडी चल रहे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं या आपके कोई मित्र हैं तो उनको कहिए, ये वीडियो जो है ये इसी पर्पज़ से बनाया है कि आप लोगों तक ये अच्छी एजुकेशन पहुँच सके।